नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 8 नवंबर के सुबह 9 बजे से जी दोस्तों यह समय से भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में दो बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं जी दोस्तों, और यह महत्वपूर्ण बदलाव बहुत ही अनचाहे होने वाले हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं जी दोस्तों। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह समय ग्रहों की तिथि शुभ होने के साथ साथ कुछ कड़वी बातों को भी लेकर आने वाले हैं जी दोस्तों। यश में आपको जीवन की उन सच्चाई के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ेंगे। कहीं पर आपको खुशखबरियों की प्राप्ति होगी तो कहीं पर आपको चौकन्ना रहने की भी आवश्यकता होगी जी दोस्तों। आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका यश में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ग्रहों की स्थिति भी बहुत ही शुभ होगी, बशर्ते आपको इन सभी समयों का जो है ध्यान पूर्वक उपयोग में लाने की आवश्यकता होगी जी दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे में आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में बदलते ग्रहों के चाल के साथ साथ आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से यश में आपको कौन सी बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी, घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ लिखिएगा, हर हर महादेव लिखिएगा, गुरु जी का और भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में भाग्य का सितारा आपके लिए प्रबल है। प्रत्येक कार्य की सलीके व व्यवस्थित रूप से करने से जल्द ही लक्ष्य भी आप हासिल कर लेंगे। विशेषकर महिला वर्ग को अपने आत्मविश्वास व फिर कार्य क्षमता द्वारा उपलब्धि हासिल होगी। बच्चों का सकारात्मक रवैया खुशी और सुकून देगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में सावधानी की अगर बात करें तो दोस्तों यश में दिल की बजाय दिमाग से काम लें। बहुत अधिक भावुकता आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। दोस्तों अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने बहुत अधिक जो है बखान ना करें, अन्यथा जलन की भावना से लोग आपका नुकसान भी यह समय कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे परिवार के साथ रहना और परिवार से दूर रहना, दोनों बातों में यश में आपको तकलीफ महसूस हो सकती है। दोस्तों व्यक्तिगत दायरे को न बना पाना, इसकी वजह से परिवार के लोगों के प्रति आपके मन में जो है रोष पैदा हो सकता है और दोस्तों उनसे दूरियां बनाने की वजह से मानसिक रूप से आपको कमजोर भी होना पड़ेगा। दोस्तों यह समय केवल निजी भविष्य के बारे में विचार करके लक्ष्य तय करने पर आपको लगाना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आप घर से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अधिक संजीदगी और गंभीरता से पूरा करेंगे। दोस्तों अपनी जीवन शैली में कुछ नकारात्मक परिवर्तन लाने से आप जो है मानसिक व फिर शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। दोस्तों किसी के घर पर जो है उत्सव में भी जाने का आपको आमंत्रण मिल सकता है। इसको उपरांत दोस्तों यश में अचानक ही कोई बड़ा खर्चा सामने आएगा जिसकी वजह से आपका बजट भी यश में गड़बड़ा सकता है, परंतु दोस्तों यश में धैर्य रखना आपके लिए उचित होगा। वाहन अथवा प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन यश में स्थगित रखें, क्योंकि दोस्तों इनमें दिक्कतें आ सकती है और दोस्तों किसी अधिकारी से भी बहस हो सकती है। तो दोस्तों यश में अपने वाणी पर संयम रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों कुछ व्यक्तिगत बातों के बारे में आपको क्लैरिटी आने की वजह से आपका लक्ष्य तय हो सकता है और दोस्तों उससे जुड़ी बातों में जो है किसी प्रकार की प्रगति आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही दोस्तों यश में आपको पता चलेगा कि जितने आपके अंदर नकारात्मक विचार आ रहे हैं परिस्थितियाँ उतनी नकारात्मक नहीं है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों नज़दीकी रिश्तेदारों के आगमन से परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। किसी भावी लक्ष्यों की प्राप्ति भी आपको आसानी से इसमें हो सकता है। दोस्तों विद्यार्थी जो है अपने पढ़ाई के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित रखें, मेहनत के उचित परिणाम आपको इसमें मिलेंगे और इनसे आप राहत महसूस करेंगे। साथ ही किसी महत्वपूर्ण यात्रा का भी प्लान बन सकता है। इसके उपरांत दोस्तों इसमें ध्यान रखें कि किसी बात में आकर आप जो अपना काम बिगाड़ सकते हैं, बेहतर होगा कि आप अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें। दोस्तों यश में परिवार के किसी व्यक्ति के विवाहित जीवन में जो है अलगाव की स्थिति आ सकती है। सामाजिक गतिविधियों में भी अपनी उपस्थिति अवश्य रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आप भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं। परिवार के किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बिताया वक्त आपको आनंद देगा।
दोस्तों अपने उत्साह को वापस लाने के लिए जिन बातों में आपको आत्मविश्वास है दोस्तों उन बातों से आपको काम शुरू करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यशमी आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों यशमी परिस्थितियाँ बहुत ही अधिक अनुकूल है और आपको कोई शुभ समाचार मिलने से आप अपने अंदर आत्मविश्वास और एक नई ऊर्जा भी यशमय महसूस करेंगे। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों का भी पूर्ण रूप से आपके ऊपर सहयोग और सलाह रहेगा। दोस्तों घर परिवर्तन संबंधी योजनाओं पर भी कोई महत्वपूर्ण कार्य यशमय हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों कभी कभी अति आत्मविश्वास की वजह से बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। दोस्तों अपने शब्दों पर यशमय नियंत्रण रखें और यह समय अपनी फिजूल खर्ची पर भी आपको अंकुश लगाना आवश्यक होगा। युवा वर्ग व्यर्थ के घूमने फिरने में अपना समय नष्ट न करके जो है भविष्य संबंधी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा आपको खुशी का खबर मिल सकता है। आपके द्वारा किया गया कोई भी प्रयत्न यशमय सफलता प्राप्त करेगी जिसका आनंद आप पूरे परिवार मिल बैठ कर लेंगे। दोस्तों आपके आसपास के वातावरण में अचानक से कोई सकारात्मक बदलाव दिखने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय कार्य क्षेत्र में कर्मचारी के साथ उचित तालमेल बनाकर रखें। उचित मेहनत व फिर कार्य क्षमता द्वारा उत्पादन में वृद्धि होगी और दोस्तों अपने लक्ष्यों को आप निर्धारित करने में सफल रहेंगे। दोस्तों वह शीघ्र ही हासिल होगा जिसकी आप कामना करते हैं। दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्तियों के ऊपर यशमय कार्यभार की अधिकता भी रह सकती है जिनसे आप दोस्तों आपको थोड़ा सा ओवर टाइम भी यशमय करना पड़ेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके कार्य क्षेत्र के लिए जो समय होंगे आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों व्यवसाय में बदलाव संबंधी योजनाओं पर कार्य होगा और आप अपनी समझदारी व अपनी काबिलियत द्वारा हर स्थिति को हल निकालने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों आर्थिक रूप से दिन यशमय उत्तम रहेगा और दोस्तों कोई रुकी हुई पेमेंट भी यशमय आपको मिल सकती है, इनकी पूरी संभावना बन रही है। साथ ही दोस्तों नौकरी में जो परिस्थितियाँ भी तनावपूर्ण रहेगी इसके उपरांत दोस्तों यशमय कार्यक्षेत्र में नए नए प्रयोग करने में आपकी रुचि रहेगी। यशमय यही आदत आपके लिए आर्थिक लाभ और मुनाफे का कारण भी बनेगा। परंतु दोस्तों यशमय रुपये पेशे के मामले में जो है किसी पर भी भरोसा ना करें और खुद पर विश्वास करें। दोस्तों यशमय नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपनी फाइलें व फिर डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखने की जरूरत होगी। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे दोस्तों यह समय पिछले कुछ समय से चली आ रही परेशानियों से आपको राहत मिलेगी और दोस्तों आप दोबारा से जो है व्यवसायिक गतिविधियों पर अपना ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन और सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। दोस्तों शेयर स्टॉक मार्केट आदि से संबंधित कार्यों में भी यशमय सफलता मिलेगी। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान अवश्य करें, इसे दोस्तों दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। परंतु प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की गलत फहमी यशमय उत्पन्न हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। घर के बुजुर्गों की सेवा व फिर देखभाल में आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग रहेगा। दोस्तों यशमय पति पत्नी के बीच गलत फहमी हो सकती है, इसलिए दोस्तों यशमय आपस में बैठकर समस्या का सुलझाने का कोशिश करें, अन्यथा दोस्तों स्थिति और अधिक गड़बड़ हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों पारिवारिक तथा व्यावसायिक जीवन में बेहतर तालमेल मिलाकर रखने से घर का माहौल जो है सौहार्दपूर्ण और खुशनुमा रहेगा। परंतु दोस्तों यशमय प्रेम संबंधों को मर्यादित रखना आपके लिए आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय सिर दर्द तथा थकान की स्थिति रहेगी। काम के बीच बीच में आपको आराम भी लेना चाहिए और दोस्तों अपने खान पान को भी यशमय व्यवस्थित रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे सर्वाइक के लिए या फिर मांसपेशियों में दर्द आपको परेशान कर सकता है, व्यायाम या फिर योगा इनका प्रमुख इलाज होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे आपके सेहत के लिए जो समय होंगे दोस्तों गिरने या फिर वाहन से चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है, बेहतर होगा कि यशमय बाहरी गतिविधियों को स्थगित रखकर घर पर ही आप अधिक से अधिक समय को व्यतीत करें। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे दोस्तों यशमय स्वास्थ्य शाम तक उत्तम होगा। किसी भी प्रकार की चिंता ना करें परंतु लापरवाही बरतना भी आपके लिए उचित नहीं होगा। दोस्तों यशमय आपको कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों यशमय अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो दोस्तों यशमय आपको बिजनेस ऑफिस में उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा में एक्वेरियम रखें, इसमें 9 सुनहरी और एक काली मछली डालें।
दोस्तों यदि कोई मछली इसमें मर जाती है तो उसकी जगह नई मछली फिर डाल दें, इससे बिजनेस में तरक्की होती रहेगी। तो दोस्तों ये उपाय को जरूर करें, ये उपाय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होंगे। तो दोस्तों ये उपाय को जरूर करें, ये आपके लिए भाग्यशाली होंगे। और साथ ही दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।